भगवान स्वामीनारायण से लेकर। अभिषेक विधि हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः। प्रोटोकॉल के अंदर स्टॉप इस्लाम, पाकिस्तानियों को गेट आउट कहा जा रहा है। पाकिस्तान किसी भी फॉर्म पे या किसी भी स्टेज पे जो है वो तरक्की ना करे, इसके लिए बहुत सारे इन्होंने प्रोपोगंडाज किए हैं पूरी दुनिया के ऊपर। एक दफा ये तो होना ही है ना कि इस्लाम ने हुकूमत करनी है। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री का मंदिर में स्वागत करने के लिए इस मंदिर के विश्वकर्मा निर्माता परम पूज्य प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज हैं, उनके चरणों में अभिवंदना माननीय प्रधानमंत्री श्री कर रहे हैं। चौदह अगस्त आता हमारी तस्वीर नहीं लगती, मोदी तो जीत गया भाई, मंदिर बना दिया मुस्लिम स्टेट के अंदर, मुस्लिम मुल्क के अंदर। हिंदू है, ईसाई है, ये आपके जो है दोस्त नहीं हो सकते। सर हम बाहर जाके फिर दूसरी मुल्क में जाते हैं, जब हम यूरोप में जाते हैं तो क्यों इंडियंस के साथ दोस्ती लगा के बैठते हैं? क्यों हम हिंदुओं के साथ भी बैठ के कहते हैं कि भाई हम उर्दू बोलने वाले, आप हिंदी बोलने वाले, जुबान तो एक ही है, क्यों हम उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं? ये नफरतें पाकिस्तान में रह के याद आती है। जय श्री राम दोस्तों, आइए वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। 1989 में मोदी जी ने भारत की सड़कों पर कहा था मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और राम मंदिर अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा तो माशाल्लाह रहा, माशाअल्लाह सुभानअल्लाह रहा। अब भारत के मुसलमान और चुन्नु मुन्नु और पाकिस्तान के मुसलमान और चुन्नु मुन्नु, इनका दर्द खुजली अभी 22 जनवरी का खत्म हुआ भी नहीं था। हाय हाय हाय, जलन पीड़ा दर्द आंख का आंसू जुबान का तेवर अभी खत्म हुआ भी नहीं था कि फिर 14 फरवरी को इतने बड़े भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और इतने खूबसूरत तरीके से कहां हो रहा है? अरब में, यूएई में। साथियों, ये समय भारत के अमृतकाल का समय है। ये हमारी आस्था और संस्कृति के लिए भी अमृतकाल का समय है। और अभी पिछले महीने ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सदियों पुराना सपना पूरा हुआ है। रामलला अपने भवन में विराजमान हुए हैं। पूरा भारत और हर भारतीय उस प्रेम में, उस भाव में अभी तक डूबा हुआ है। अबूधाबी के बारे में बात करना चाहूंगा सर। अबूधाबी ने अभी देखेंगे तो एक हिंदुओं का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना दिया और उस मंदिर के अंदर सर एट अ टाइम 60,000 लोग जा सकते हैं। मुसलमान मुल्क है, अब मंदिर बनाया है और अब पाकिस्तान की तस्वीर नहीं लगाते 14 अगस्त को। आज नरेंद्र मोदी की तस्वीर उन्होंने लगाई, उस मंदिर की भी तस्वीर लगाकर नरेंद्र मोदी वहां पर गए ओपनिंग के लिए। क्या कहना चाहेंगे, हमसे इतनी दूरी और इंडिया के इतने करीब क्यों अबूधाबी? पाकिस्तान को समझ आना चाहिए कि ये हमारा दुश्मन है। कुछ जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी जो शमूलियत है वो दुश्मनी की सत्ता करनी चाहिए। क्या करना चाहिए दुश्मनी में? देखें, जब आप अल्लाह का जो फैसला है, कुरान का फैसला जो है कि जो हिंदू है, ईसाई हैं, ये आपके जो है दोस्त नहीं हो सकते। सर हम बाहर जाके फिर दूसरी मुल्क में जाते हैं, जब हम यूरोप में जाते हैं तो क्यों इंडियंस के साथ दोस्ती लगा के बैठते हैं? क्यों हम हिंदुओं के साथ भी बैठ के कहते हैं कि भाई हम उर्दू बोलने वाले, आप हिंदी बोलने वाले, जुबान तो एक ही है, क्यों हम उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं? ये नफरतें पाकिस्तान में रह के याद आती हैं। नहीं नहीं, देखें चीज़ है कि बींग मुस्लिम जो है हमें जो है ना इस्लामी जो है ना तरीब उसका ख्याल रखना चाहिए, उसका क्या करना पड़ेगा उसके ख्याल के लिए? तो दोस्तों देखिए, मजीद दुनिया में भाई ऐसे नेता होंगे ही नहीं जो अपने संस्कृति और टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर चल रहे हैं, वो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब। देखिए जो यूएई में मंदिर बनाया है, देखिए वहां पर मंदिर भारतीयों का बना है, मुस्लिम देश में बना है, इस चीज से भाई यूएई को भी फायदा है और भारत को भी भाई बहुत ज्यादा फायदा है। देखिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भारत ने भाई वहां पर भारत मार्ट खोल दिया है, 1,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और उसका इनोग्रेशन भी मोदी साहब ने कल ही किया है और अब कतर जाएंगे। तो आप लोग पाकिस्तानियों की भाई और क्या राय है वो देखिए, उसके बाद फिर बात करेंगे।
वो तो ये है कि वो जो इमरान उनको स्टैंड लेना चाहिए ना, मतलब क्या स्टैंड लेके क्या करना चाहिए थोड़ा बताए ना ऑडियंस को। जो इस्लामी जो रवायात हैं उसको प्रमोट करें, जो जो अल्लाह का जो है नबी का जो सुन्नत है कुरान का जो फरमान उसको नाफर करना चाहिए। जब तक ये है कि जब तक इस्लाम में नाफर जो इस्लाम है मुल्क में नाफर नहीं करेंगे तब तक जो है हम जो है ये यहूदियों का ईसाइयों का हिंदुओं का हम तब तक मुकाबला नहीं कर सकते, मतलब उनका सफाई करके हम मुकाबला कर सकते हैं। अब 60,000 लोग इकट्ठे हो जाए ना, देखें सुन ले वो इकट्ठे हैं हम इकट्ठे नहीं हैं। 60,000 लोग इन अबू धाबी के अंदर मौजूद हैं, दुबई के अंदर 60,00,000 लोग हैं, 60,00,000 हिंदू हैं जो कि अपनी इबादत करेंगे अब विद फैमिलीज के साथ हैं, वहाँ पर जॉब करते हैं काम करते हैं तरक्की के लिए अपने मुल्क की तरक्की के लिए भी काम कर रहे हैं। तो अबू धाबी ने कहा कि भाई ये लोग हैं अब ये अपनी इबादत करने चाहिए, हमारी मस्जिदें तो मौजूद हैं अब इनको भी इबादत करने के लिए तो कोई जगह ना तो जगह जगह तो देनी पड़ेगी। अबू धाबी वाले हैं जो है उनको अल्लाह ने सोच नहीं दी, सोच नहीं हमें सोच दी है, जो मुसलमान जो है उनको सोचना चाहिए ना, अब जो है उनको जो है कि मुसलमान जो है वो नजर नहीं आ रहे, मगर जो हिंदू है जो गैर मजहब मजाहब के लोग हैं वो उनको नजर आ रहे हैं, मतलब गैर मजहब को जो जो इस्लामी मालिक है उनको जो है इकट्ठा होना चाहिए मुसलमान के बारे कि ये ऐसा जो है क्यों हो रहा है, समझे ना, जब कोई आवाज ही नहीं उठाएगा कि आप मुझे एक बात बताएं मेरे नबी के टाइम की कोई एक बात बता दें कि जहाँ पर इस तरह हुआ हो कि एक मंदिर बना हो या गैर मुसलमानों की हिंदुओं की सिखों की ईसाइयों की तादाद ज़्यादा हो और वहाँ पर वो कोई चीज़ बनाना चाहिए और मेरे नबी ने इजाज़त ना दी हो, आज के मुसलमान की तरह सोचता होता तो क्या लगता कि इतना इस्लाम हम तक पहुँच गया होता। देखिए यह है कि जवाब देना आपने इस बात का प्रॉपर जवाब देना, आज की तरह मेरी और आपकी सोच की तरह अगर हमारे नबी सोचते तो क्या मुसलमान आज मैं और आप होते या पूरी आलम इस्लाम में इस्लाम इतना फैल गया होता। वो तो रहमतुल आलमीन है, देखें वो तो रहमतुल आलमीन है, उनकी सोच हमारे जैसी जो है नहीं होती। ये बात करके तो अपने आप को बरी कर लेते हैं, हम मानते तो उनकी हो है लेकिन उनकी कोई नहीं मानते। तो दोस्तों ये है भाई पाकिस्तानी, यानी कि देखिए मैं तो भाई ये कह रहा हूं अगर आज मोहम्मद नबी जी होते तो भाई सबसे पहले इस पाकिस्तान को वो बोल देते कि भाई पाकिस्तान इस्लामिक है ही नहीं, वर्ल्ड में कोई भी इसको इस्लामिक ना माने। देखिए सिर्फ जीभ पर भाई इनके इस्लामिक है पाकिस्तानियों के, बाकी भाई कुछ भी इस्लामिक नहीं करते हैं कुछ भी। मैं बिल्कुल 100% श्योर होकर कह रहा हूं यानी कि पाकिस्तानी जिस देश के भाई हुक्मरान ही खुलम खुला इतने बड़े चोर हो, जो खुद कहते हो भाई हमें उस देश से भीख मांगनी पड़ रही है, मैं अपने कपड़े बेच के आप लोगों को ये कर दूंगा, दोबारा फिर वही प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। यानी कि ये वो पाकिस्तान देश है जो भाई मैं तो कहता हूँ वोट क्यों डलवाए तुमने, वोट भी मना कर देते भाई। देखिए सो जिस बंदे को इन्होंने भाई इतना गड्ढे में डाल दिया उसके बाद भी वो कबर में लेट कर भी 100 सीट लेके चला गया, उसको प्रधानमंत्री बनाया नहीं और 74 वाला पार्टी प्रधानमंत्री बनने जा रही है भाई। ये पाकिस्तान की सच्चाई है, पाकिस्तान की हकीकत है। और देखिए रही बात भाई यूएई की, तो यूएई को भाई पाकिस्तान से अभी कोई लेना देना नहीं है, यूएई को भाई चाहिए कि भाई जो विश्व है विश्व में उसको बिजनेस चाहिए, यानी कि यूएई एक एज एग्जाम्पल सेट करा है जिस देश में भाई कभी धूल और मिट्टी के सिवा कुछ मिलता नहीं था, रेगिस्तानियों के सिवा भाई वहां पर कुछ होता नहीं था, आज वहां पर वर्ल्ड मुस्लिम देशों का तो भाई सबसे बड़ा, जिस देश में भाई हिंदुओं के पुराने समय में किसी समय में मंदिर तोड़े गए थे आज उस देश में 727 एकड़ में 900 करोड़ के मंदिर बन रहे हैं और वो सब कुछ भाई भारतीय शिल्प लेखि अनुसार नागर लिपि या पता नहीं कुछ ऐसा उसके अनुसार बन रहे हैं। तो ये भाई जलवा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का है, ये मोदी साहब का नहीं है, आप लोगों ने मोदी साहब को इस जो ये समझा और वो आज आप लोगों के लिए करे। आप लोग कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में, जय जवाहर जय श्री राम।